तो भाई जो ये ढेर है इतना सारा ये कपड़ों का, तो भाई ऐसे लजीज लजीज पराठे अगर खाने हैं, ये इसमें ना पराठे बनाने भी नहीं आते। तो आज देखो भाई आलू के पराठे बनाएगी अंजू, मेरा भी बनाएगी ना। नो, अपने लिए बनाऊंगा मैं। तो भाई बड़े दिन बाद आज ये पराठे बनाएगी, बहुत दिन से बोले मैंने, तो आज मैंने सुबह वैसे लंच में पराठे खाए और ये अभी मुझे पराठे खिलाएगी। वो दे दो सूखा आटा। कहाँ है? सूखा आटा भी देना पड़ेगा इसको। तो इसको देते हैं हम सूखा आटा। छानने की जरूरत नहीं है ना। बड़े दिन बाद व्लॉग भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हमने कुछ किया ही नहीं, व्लॉग वगैरह तो बना ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो इसलिए बहुत दिन हो गए ना। कितना टाइम हो गया ना व्लॉग बनाए हुए, इस पे करें। तो पहला पराठा है मेरा फूट चुका है, जब तक पराठा ये इस पे ना पराठे बनाने भी नहीं आते। कैसे बनाते हैं पराठे? कम से कम पराठे बनाने तो सीख ले। इतने दिन हो गए भाई इस पे एक ना पराठा बनाने नहीं आया। जब तो कह रही हो तुम बनाओ। लग रहा है भाई दूसरी शादी करनी पड़ेगी मुझे यार, ये पूरा भूल गया। ये देखो इस पे पराठे बनाने नहीं आ रहे, काफी दिन बाद बनाए हैं। ये देखो इसने बिल्कुल तोड़ दिए, इसने वो ना मसाला ज्यादा भर दिया इसमें, और देखो आलू वो ये बहुत कम लिया है आटा, देख लो भाई। ये देखो पूरा इसने भाई खराब कर दिया। वैसे इसने मास्टर्स कर रखी है, पर इस पे एक आलू का पराठा नहीं बनाया जा रहा। नाम खराब कर दिया तूने मेरा। देखते हैं भाई कैसे पराठे खिलाती है, मैं इसे यहीं पे बैठ के देखूंगा कैसे बनाएगी। और भाई ये मेरे को ना गिफ्ट करने वाली है वॉच। चलो ना सही को इसको घी लगाओ, इस पे घी लगेगा तो वॉच गिफ्ट करेगी ना मेरे को। 100 रुपये वाली नहीं, 4000 रुपये वाली। जल्दी लगाओ घी जल जाएगा वो। घी जल जाएगा? किसमें बनाए थे? रिफाइंड से? घी तो यार यहाँ पे खत्म है, इसमें भी खत्म है, मुझे नहीं पता। रिफाइंड देखना पड़ेगा भाई, कोई समझेगा भाई आइसक्रीम है, इसको देख के आइसक्रीम नहीं है। ये है इसमें घी, ये हमने रख दिया यहाँ पे, और थोड़ी सी हम गैस कर देते हैं चालू। ये गैस नहीं गैस है, अंजू कहती है इसको गैस, गैस है ना ये। क्या है? गैस। ये गैस, अब गैस पे बनेगी पराठे। और ये पराठे ऑलरेडी सेक, आई नो यार ये तो जम गया पूरा, तो पूरा जम गया और पता है तो गैस तो ऐसी होती ना गैस। ओहो देखो भाई एकदम क्रंची क्रंची होना चालू हो गया है हमारा गैस पे पराठा। और ये थोड़ा ना इसको साइड में कर ले ताकि ये पिघल जाए। डब्बा डब्बा नहीं गैस पे वो घी थाली। क्या बात, हम निकालते हैं भाई एक स्पेशल सी थाली। ये हमारी थाली आ गई। तो भाई ऐसे लजीज लजीज पराठे अगर खाने हैं तो अंजू भाई, ऐसे लजीज पराठे खाने हैं तो अंजू खिलाएगी भाई बना के। और मैंने इससे बोला भाई मुझे पराठे खाने हैं, ये गरी नहीं मुझे तो पिज्जे खाने हैं, पिज्जे खाने हैं, कितने पिज्जे खाएगी। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake. तो भाई ये ये कर रही है बार बार एक्टिंग चल रही है इसकी एक्टिंग। ये रखा होगी फ्रिज में, ये ट्राई कर रही है बनाने के लिए बार बार, ये थंबनेल के लिए वो कर रही थी एक्टिंग। कैसे कर रही थी एक बार दिखाना। तो इसका थंबनेल का फोटो क्लिक कर रहे हैं भाई, एकदम रेड रेड हो गया हमारा।
एकदम तैयार बन गया पराठा, अब खाएंगे इसे मक्खन के साथ में। और देखिए यहाँ पे ये रखे हैं, ये रहे भाई टिक्की, रखी है ना मक्खन की। अरे टिक्कियाँ बहुत है, और आपको ना मक्खन की टिक्कियाँ दिखाते हैं। इतनी टिक्कियाँ रखी हैं हमारे पास में, इतनी टिक्का रखी है, इतनी टिक्कियाँ करिए रखी हैं, सोची ना होगी भाई। तो देखो अभी आपको दिखाते हैं हमारे पास कितनी है मक्खन की टिक्कियाँ हैं। अरे टिक्किया टिक्किया तो गायब। तो भाई हमारे साथ हो गया पोपट, क्योंकि जो मक्खन की होती ना, मक्खन की जो टिक्कियां थी उसी को हमने घी में कन्वर्ट कर लिया, और वहाँ पे फ्रिज में तो कुछ नहीं भाई, पोपट हो गया हमारा। तो भाई साहब ये है हमारा तैयार। देखो मेरी लिए है मैंने पेप्सी, और यहाँ पे पराठे के साथ में है मक्खन और अचार। तो ये भी जब कॉम्बो मिल जाता है तो बड़ा ही लाजवाब हो जाता है। तो अभी खा लेते हैं, मैं पीता हूँ पहले पेप्सी। बढ़िया, ये देखो ये खाने में लगनी है, इसने कर दिया शुरू खाना। इतनी भूख लग रही है ना इसको, बुक्कड़ को, मेरे को नहीं खाने दे रही है। तो मैं भी खा लेता हूँ, आपको अभी रिव्यू देता हूँ कैसा लग रहा है। मस्त बनाए एकदम जहर। तो फाइनल भाई खाना वाना खा लिया एकदम डन, प्लेट पूरी साफ, बड़ा ही टेस्टी था जो भी था। तो भाई जो ये ढेर है इतना सारा ये कपड़ों का, ये आप देख रहे हो, ये ढेर भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अंजू अभी इन सब जितने भी कपड़े वगैरह रखे हैं सबको यहाँ पे धुल देगी अंजू। कल हम मार्केट वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जाने का ये रीज़न है भाई, कुछ कपड़े वगैरह लिए थे हमने, तो कुछ चीज़ें रह रही हैं। अभी आपको पता है करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, और अंजू को कुछ लेना है, मेरे को आई थिंक कुछ लेना ही नहीं है मेरे को, थोड़ा जो हमें लेना है बाहर ज्वेलरी वगैरह का शायद है कुछ। तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, व्लॉग्स में आप बने रहोगे। और ऐसे हो रहा है भाई कुछ टाइम से, हो सकता है मैं सरोजनी भाई एसएन जाएंगे मैं व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं उसका कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई मेरा अभी व्लॉगिंग करने का इतना है, कुछ टाइम से व्लॉगिंग मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे भाई मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं, कुछ मेरे ऑफिशियल भी है कुछ रीज़न, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो व्लॉगिंग मेरे ना कर पाने के कई रीज़न है, तो आपको भाई आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो इसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन भाई आपके लिए ये खुशखबरी है, मैं बता दूँ कि आपका भाई अभी कुछ टाइम के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आई होप सो ये हो जाए, तो मैं फिर रेगुलर व्लॉगिंग करूँगा, आपको रेगुलर मेरा कंटेंट वो मिलेगा। तो ये भाई आने वाले टाइम में हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, ताकि मैं रेगुलर कंटेंट अपना अपलोड करूँ, रेगुलर आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, आपसे बातें कर पाऊँ। तो ये कुछ प्लान है। तो अभी एसएन वगैरह जाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है वहाँ के, व्लॉग बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, कुछ भाई थोड़े थोड़े इशू चल रहे हैं लाइफ के अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था व्लॉग वगैरह बिल्कुल भी। तो अभी अंजू मेरे को बार बार आवाज दे रही है। तो आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक का जलवा, इसमें तो एक यहाँ पे डालते हैं सर्फ, ये डाल दी सर्फ, ओके ये बंद कर दिया। अब इसका हम लगाएंगे वायर, ये वायर लग गई, इसे कर दिए ऑन। आप देख रहे भाई जलवा यहाँ से होगा शुरू, ये पावर बटन, फिर हमें यहाँ पे वाटर लेवल सेट करना है, तो वाटर लेवल हमें थोड़ा हाई करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े ज़्यादा है। उसके बाद में ये हमें वॉश साइकिल करनी है, हल्का करना है हमें, स्पिनी पे ऑटो पे कर देनी है ये, और इसका हमें हाई रख देना है, और ये हमें स्टार्ट कर देनी है, ये स्टार्ट, पानी आना शुरू। ये देखो भाई नदी में पानी आना शुरू हो गया, और अब ये अपने आप धुल देगी, सुखा देगी, और फिर एक आवाज़ करेगी कि भाई आ जाओ ले जाओ अपने कपड़े,
तो ये इसका काम है। तो भाई ये जानवर जाएगा मेरी पिद्दी पे बैठ के, ठीक है। अब इस जानवर को लेके जाना तो पड़ेगा, तो जानवर भाई लटक गया है मेरे पीछे कह रहा मन्ना पिद्दी लेके चल, और ये खा खा के भाई इतनी भैंस हो गई है ना। पेट किसका निकल रहा है? तेरा। 150 किलो की हो गया। तो भाई इसने एक बार गिरवा दिया, वे दोबारा लटके कि भाई मैं नहीं पकड़ूंगा पैर वैर ओ भाई भैंस तो भाई रात को इसे लगी है भूख, ये 3-4 तो सैंडविच ले आई है, पेप्सी ले आई है, और इसको लग रही है भूख रात के 12 बजे, और ये कह रही है कि मैं भाई इससे पहले बोला कुछ खा ले खा ले खा ले, पर ये नहीं खाया इसने, यहाँ पेप्सी ले आई है और सैंडविच ले आई है, तो अब क्या करेगी तो गुड नाइट गाइस, ठीक है सो जाओ, कल मेरा फास्ट है इसलिए मैं आज खा रहा हूँ, तो